जय माता दी। दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। मैं आपको दो ऐसे उपाय भी बताऊंगी जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 6 महीने के अंदर ही आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे, लेकिन आपको एक सावधानी भी रखनी होगी जो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 नवरात्रि तो हम सभी लोग जानते ही हैं, चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि। लेकिन इनसे अलग भी 2 नवरात्रि आती हैं जो शायद सभी लोग नहीं जानते हैं। 1 नवरात्रि आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में है। इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ज़्यादातर हम लोग चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि ही मनाते हैं, गुप्त नवरात्रि नहीं मनाते। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा अर्चना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। गुप्त नवरात्रि में की गई थोड़ी सी भी पूजा से माँ भवानी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। जो लोग बेहद कष्ट झेल रहे हैं, एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही हैं, वे लोग गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना करके अपने कष्ट दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, वे भी गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करके अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है माँ अवश्य पूरी करेंगी, अगर वो जायज है तो। इस बार गुप्त नवरात्रि 30 जून दिन बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे हैं और 8 जुलाई दिन शुक्रवार को नौमी है, यानी कि पूरे 9 दिन के नवरात्रि हैं। इन दिनों आप जो भी पूजा पाठ करेंगे वह बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों, हम जब भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है जिसका कोई हल दिखाई न दे रहा हो, तब हमें केवल अपनी माँ के पास जाकर ही सुकून मिलता है और माँ के पास भी हर मुश्किल का हल होता है और बड़ी से बड़ी गलती की माफ़ी भी। तो माँ दुर्गा तो पूरे जगत की माँ है। हमने चाहे कितने ही पाप क्यों ना किए हों, अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें तो माँ के आंचल में हमें अवश्य जगह मिल जाती है और माता रानी हमारी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर देती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली उस विशेष साधना के बारे में जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इन नवरात्रि का नाम ही गुप्त नवरात्रि है, तो इन नवरात्रि में हम जो भी साधना करें या जो भी पूजा पाठ करें, जो भी उपाय करें, वो हमें पूरी तरह से गुप्त रखना है। बस यही एक सावधानी आप लोगों को रखनी है, इस बात में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी पूजा पाठ है वो आपको पूरी तरह से गुप्त रखना है, यानी कि किसी को नहीं बताना है। अगर आप किसी खास मनोकामना के लिए ये साधना करना चाहते हैं तब तो आपको इसे पूरी तरह से गुप्त रखना है। लेकिन अगर आप माता रानी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, जो कुछ उन्होंने आपके लिए दिया है उनके प्रति आप अपने प्रेम को प्रदर्शित करना चाहते हैं, निष्काम भाव से पूजा करना चाहते हैं, तब आपको इतना गुप्त रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर पता चल भी जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं तब आपको सारे विधि विधान करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो कोशिश करके इस साधना को पूरी तरह से गुप्त रखें। अपने घर वालों के अलावा किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए, तभी ये पूजा असर दिखाएगी। आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। ये बहुत ही साधारण पूजा है लेकिन है बहुत असरदार। अगर आप इन गुप्त नवरात्रि में व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत ना नहीं रखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये उपाय और पूजा आप आराम से कर सकते हैं बिना व्रत के भी। बस आपको एक काम करना है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में
की जाने वाली पूजा अपने आप में ही वो असरदार होती है। आपकी आधी परेशानियां तो उसी समय खत्म हो जाती हैं जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और ये पूजा आपको सूर्योदय से पहले करनी है, और ये पूजा आपको 30 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, यानी कि पूरे 9 दिन लगातार एक ही समय पे करनी है। अगर आपने सुबह 5 बजे पूजा की है तो दूसरे दिन तीसरे दिन रोजाना आपको 5 ही बजे पूजा करनी है। आप कैसे समय मैनेज करेंगे वो आप खुद अपना देख लें। स्नान के बाद सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उसके बाद स्नान के बाद मंदिर में आ जाएं। मंदिर की साफ़ सफाई करके माता रानी को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लें। माता रानी की मूर्ति हो तो मूर्ति को स्थापित कर लें, अगर आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो को स्थापित, जो भी आपके पास हो आप स्थापित कर लें। सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन करें। दोस्तों, गणेश जी का पूजन करने के बाद आप गणेश संकटनाशन स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। बहुत छोटा सा है, 2 मिनट में पाठ हो जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर माता रानी का पूजन करें, कुमकुम चंदन लगाएं, धूप दीप दिखाएं, बताशे और फल का भोग लगाएं, माता रानी को लौंग चढ़ाएं, लाल पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आपको माँ दुर्गा के 32 नामों का एक बार पाठ करना है, और पाठ करने के बाद आप आरती करें, और उसी प्रकार आपको शाम को सिर्फ पूजा करें, शाम को आपको पाठ नहीं करना है, पाठ आपको सुबह बस एक बार करना है। दूसरे दिन भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और इसी प्रकार से माता रानी की पूजा करें, लेकिन आपको जो माँ दुर्गा के 32 नामों का आपने पाठ किया था पहले दिन, तो दूसरे दिन आपको 2 बार पाठ करना है। और इसी प्रकार से आपको तीसरे दिन आप माँ भवानी की पूजा करें, तीसरे दिन आपको 3 बार पाठ करना है, चौथे दिन आपको 4 बार पाठ करना है, पांचवें दिन 5 बार, छठे दिन 6 बार, सातवें दिन 7 बार, और आठवें दिन 8 बार, और नवें दिन आपको 9 बार पाठ करना है। ये पूजा करने में आपको जितना भी समय लगे, लेकिन आपको पूजा की शुरुआत एक ही समय पे करनी है। आप अगर 5 बजे पूजा कर रहे हैं तो डेली आपको 5 ही बजे पूजा करनी है, शुरुआत करनी है। 6 बजे पूजा कर रहे हैं तो आपको 6 बजे से शुरुआत करनी है। आप जिस भी समय पे पूजा करें, आपको रोजाना उसी नियत समय पे पूजा करनी है। बस आपकी पूजा यहीं पर संपन्न होती है। नौमी वाले दिन 9 पाठ करने के बाद आप 9 कन्याएं खिलाएं, पर वो कन्याएं आप घर पर नहीं खिलाएं, क्योंकि अगर आप आस पड़ोस से कन्याएं बुलाएंगे तब आपकी पूजा के बारे में सबको कुछ ना कुछ भनक लग ही जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि घर के बाहर जाकर किसी मंदिर के बाहर आप गरीब कन्याएं खिलाएं। चाहें तो घर से खाना बनाकर ले जा सकते हैं, या फिर बाहर से ही जलेबी वगैरह लेकर कन्याएं खिला सकते हैं। बस कन्याएं खिलाने के बाद आपकी पूजा संपन्न होती है। अब आप इस पूजा का जिक्र आप किसी से भी ना करें। अब आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस उपाय में आपको कुछ नहीं करना है, केवल 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। आप एक एक दो दो अध्याय रोजाना पाठ करेंगे और पाठ पूरे 9 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर भी आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि ये पाठ आपको गुप्त तरीके से करना है, किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। आप दोनों उपाय करना चाहते हैं तो दोनों कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक उपाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे 6 महीने के अंदर आपके जीवन में चमत्कार दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि का लाभ आप अवश्य उठाएं, वरना ऐसा मौका आपको 6 महीने के बाद ही मिलेगा। गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।